दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ नए नए किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो है जो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेरा टिप है वो है राजमा को लेकर। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हमें एकदम से याद आता है कि हमें राजमा बनाना, लेकिन क्या होता है ना कि इनको भिगो के रखने होते हैं और जल्दबाजी इतनी होती है कि भिगोने का टाइम भी नहीं होता है और हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। लेकिन अगर भिगोना भी जरूरी है ना, तो बस आप ये वाली ट्रिक लगाइए, चाहे छोले हो चाहे राजमा हो, आप अच्छी तरीके से पानी को बॉईल कर लीजिए। तो यहां पर बस मैंने आधे घंटे के लिए ही पानी में इनको बॉईल कर खोलते हुए पानी में रख दिया था। ज्यादा आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए आप तेज पानी को उबाल लीजिए और उसमें थोड़ी देर के लिए इसको डाल के रख दीजिए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास तो बस आधे घंटे का टाइम था, तो मैंने आधे घंटे ही गर्म पानी में इनको डिप करके रख दिए थे। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं और अब इनको बॉईल करने की बारी है। तो बॉईल करने के लिए सबसे पहले तो हम नमक तो डालते हैं, लेकिन नमक डालने के साथ साथ आप इसमें ये वाला जो मसाला है वो ज़रूर डालिए, जो हम छोले राजमा में डालते हैं ना, वो मसाला आप 1 टेबल स्पून के करीब डाल दीजिए और फिर इसमें पानी डालकर इनको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। क्योंकि है ना, जो ये हम मसाला डालेंगे ना, इससे इसका कलर तो चेंज होगा ही, साथ में जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी में आपको पानी डालना है, कुकर में पानी डालिएगा और इस तरीके से बंद करके कुकर को रख दीजिए। ये है छोले राजमा, जब जल्दबाजी होती है ना तब हमें बनाने का मन करता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये वाली टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है मैच बॉक्स को लेकर। देखिए दोस्तों, जब विंटर सीजन होता है या फिर बारिश का मौसम होता है ना, तब ये माचिस हैं जो बहुत जल्दी सीलन पकड़ लेती है और जो इसमें मॉइस्चर आ जाता है उसकी वजह से ये तीलियाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या कीजिए, जब कोई भी आपका बर्तन रखा हो गैस के ऊपर, आप खाना बना रहे हो, कुकर वगैरह रखा हो, तो क्या कीजिए, जैसे गैस बंद करते हो तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और कुकर के ऊपर आप इनको मैच बॉक्स को रख दीजिए, जहाँ से हम तीली जलाते हैं ना उस पर अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए, जितना भी मॉइस्चर होगा उतना ये जो है ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब बिल्कुल एकदम से जो आपकी माचिस है जलने लग जाएगी और जो इसकी सीलन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गर्म बर्तन के ऊपर माचिस रखोगे ना, तो आपकी जो माचिस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आराम से बारिश के मौसम में भी, सर्दी के मौसम में भी आराम से काम में आएगी। और एक ट्रिक और बता रही हूँ दोस्तों, जब भी हम लाइटर का यूज़ करते हैं ना, तो चाहे कितना भी नया लाइटर हो वो भी जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसमें भी अंदर नमी आ जाती है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करता है। तो बस गर्म कुकर के ऊपर इस तरीके से आप लाइटर को भी रख दीजिए, जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका लाइटर है जो बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से सर्दियों में है ना, छोटे छोटे से हैक्स अपना कर अपने डेली काम को हम आसान बना सकते हैं। और जो सर्दियों की ठंडक होती है ना, उसमें हर चीज़ों में मॉइस्चर आ जाता है, तो आप इस ट्रिक को अपनाकर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको अच्छी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों वही विंटर वाला हैक्स जो होता है ना, जैसे विंटर में हम धूप बत्ती का यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये धूप बत्ती होती है ना इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि सुबह के टाइम हमें बहुत ज़्यादा इसको मसलना पड़ता है। और सबसे अच्छी टिप तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि बस आपको क्या करना है, आप जैसे ये धूप बत्ती होती है ना, ये काफ़ी लंबी स्टिक होती है इनकी, अब हमें इनको तोड़कर जलाना होता है, इस तरीके से इसकी बाती बनानी होती है। तो आप क्या कीजिए, फ्री टाइम में है ना इनकी इस तरीके से बाती बना के रख लीजिए। इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी इसको रगड़ने की वजह से, साथ में अगर हम इनकी इस तरीके से बाती बना के रखेंगे ना तो हमारा टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा। तो जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो पहले इसको तोड़ते हैं फिर इसकी अच्छे से बाती बनाते हैं। और सर्दियों में तो इसको मसलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा जम जाती है, जिसकी वजह से अच्छे से मेल्ट होकर बाती का रूप नहीं लेती है। तो आप फ्री टाइम में धूप में बैठे बैठे इस काम को ज़रूर कीजिएगा, आप देखोगे कि बाती भी बहुत अच्छे से जलेगी और इस तरीके से आप रगड़ के बाती की शेप दोगे ना इनको, तो ये पूरी की पूरी जो आपकी धूप बत्ती है वो जल जाएगी। नहीं तो होता है ना, सर्दियों में हम जैसे बाती जलाते हैं तो वो थोड़ी सी ऊपर ऊपर से जल
जल जाती है, लेकिन नीचे नीचे से वो ऐसे के ऐसी रह जाती है क्योंकि इसमें आँच नहीं पकड़ पाती है, माचिस की लो नहीं लगती है, और ये ठंडी होने की वजह से है ना सर्दियों में जो है थोड़ी सी जलकर और बाकी बाती बच जाती है। तो आप इस तरीके से बाती बना के रखिएगा, आपके बहुत सारे टाइम भी बचेगा बहुत सारा, और साथ में ये बाती है जो पूरी की पूरी आपकी जल जाएगी। तो इस तरीके से बाती का भी आप यूज़ कीजिए, पैकेट में से निकाल कर इस तरीके से बाती बनाकर किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है चाय की पत्ती को लेकर। तो देखिए दोस्तों चाय की पत्ती में आपको छिलके से दिख रहे होंगे, तो जब मैं इलायची का यूज़ करती हूँ ना किसी भी मसाले में, तो इसके जो छिलके होते हैं इलायची के वो मैं चाय पत्ती में डाल देती हूँ, जिससे कि चाय की खुशबू तो अच्छी होती है और साथ में वो छिलकों का हम यूज़ नहीं करते हैं तो चाय पत्ती में उनका यूज़ भी हो जाता है। आज मैं चाय की पत्ती का आपको बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊँगी, जिससे कि आपकी बहुत सारी टेंशन है जो खत्म हो जाएगी। तो आपको लेनी है चाय पत्ती और साथ में ले लीजिए कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, तो मेरे पास नहीं था वाइट कलर का, या कोई सा भी ले लीजिए आप बिल्कुल पतला सा। तो मेरे पास ये कैरी बैग था तो मैंने इसको ही कट कर लिया है, इसलिए किया है क्योंकि जो कैरी बैग है ना ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका ही यूज कर लेते ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। तो चाहो तो आप इसी से नॉट लगा दीजिए, अगर ये छोटा पड़ रहा है ना तो आप कोई हेयर रबर ले लीजिए और इस तरीके से इसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। आप देखिए दोस्तों ये पोटली हमें किस तरीके से यूज़ करनी है आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए पहले सबसे पहले तो इसकी पोटली बना लीजिए, बहुत अच्छा सा है ना जो कॉटन का पतला सा फैब्रिक होता है ना कपड़ा होता है, अगर आपके पास वो हो तो आप उसका यूज़ कीजिए, और ना हो तो आप कैरी बैग को भी यूज़ में ले सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसकी स्मेल है, चाय की पत्ती की खुशबू है, बहुत अच्छे से आ रही है, तो इसको यूज़ करना देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सर्दियों में हमारे पास बहुत सारी सब्जियाँ फ्रिज में रखी होती है या कई तरीके की चीज़ें ऐसी रखी होती है जिससे कि फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, तो इस स्मेल को दूर भगाने के लिए आप इस बोतली का यूज़ कीजिए। चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा तेज जो स्मेल होती है जिसकी वजह से जितनी भी गंदी बदबू आ रही है फ्रिज में वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। इस पोटली को आप फ्रीजर के कहीं पर भी रख दीजिए, फ्रिज के किसी कोने में, धीरे धीरे देखोगे कि जो भी इसमें मतलब फ्रूट वगैरह की स्मेल आ रही हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, या किसी भी चीज़ की मलाई वगैरह रखते हैं हम, सब्जियाँ रखते हैं उनकी स्मेल आएगी ना तो वो पूरी ख़त्म हो जाएगी बस एक चाय की पत्ती के कमाल से। तो चाय की पत्ती की पोटली बनाइए और इस तरीके से आप फ्रिज में रख दीजिए, तो ये आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि अब फ्रिज की बदबू को हम कैसे भगाएं। तो है ना बहुत ही यूजफुल सा आइडिया, आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट टिप की तरफ। लास्ट जो आइडिया है ना मेरा वो बहुत ही बढ़िया है और वो है विंटर के लिए, यानी वूलन के कपड़ों के लिए। सर्दियों में हम मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या होता है ना दोस्तों बच्चों को भी पहनाते हैं खुद भी पहनते हैं, लेकिन उनमें नए कपड़ों में भी बहुत छोटे छोटे से रोए निकल आते हैं। कई बार तो वो रोए इतने भयंकर होते हैं कि वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और बच्चे उनको पहनते भी नहीं है, साथ में वो है ना चुभने से भी लग जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से कोई भी रेजर ले लीजिए और रेजर का यूज़ करके आप इन रोओं को हटा सकते हो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन स्वेटर में ज़्यादा रोए नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने सॉक्स का यूज़ किया है। तो देखिए सॉक्स में आपको दिख ही रहे होंगे बहुत सारे रोए हैं, तो इन रोओं को देखिए कितनी आसानी से हम हटा सकते हैं, बस आपको अच्छी तरीके से इसको पकड़ना है और जो रेजर है ना उसको इस तरीके से चलाना है। आप देखोगे कि जितने भी स्वेटर में रोए लगे हैं ना बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई तामझाम करना पड़ेगा, जो नया स्वेटर है वो भी पुराना हो जाता है इन रोए की वजह से, तो आप इस तरीके से रोए निकाल सकते हो। तो देखिए रेजर से कितनी अच्छी तरीके से जो सॉक्स में से रोए निकल रहे हैं मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ के साथ। अगर आपके कम रोए हैं तो आप कंघी का भी यूज़ कर सकते हो, कंघे से भी बहुत अच्छे से रोए निकल जाते हैं। तो कंघे का यूज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में रोए हो गए हैं, तो रेजर का यूज़ कीजिए, यानी कि विंटर में कपड़ों को पहनने से पहले अगर उनमें रोए आ गए हैं तो आप रेजर का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही अच्छी सी और यूनिक सी ट्रिक है दोस्तों, ज़रूर काम में आएगी आपके, आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो या बड़े हो सबके जो स्वेटर में रोए निकल आते हैं, टी शर्ट्स में, हुडी वगैरह में निकल आते हैं ना, तो आप रेजर का यूज़ करके इन रोओं को जड़ से ही हटा सकते हो। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है विंटर के लिए, तो सर्दियों में इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।